अस्सलाम वालेकुम सर, यूके की क्वैडकैम कंपनी से इंपोर्टेड आयोडीन बेस्ड डिसइंफेक्टेंट प्रीमियम प्रोडक्ट ऑफ डीएमजी इज आयोडोक्लीन्स। आयोडोक्लीन्स यूके की क्वैडकैम कंपनी से इंपोर्टेड और डेफरा अप्रूव्ड आयोडीन बेस्ड डिसइंफेक्टेंट है। जैसा कि सर आप जानते हैं कि YMCF के अंदर ये लिखा हुआ है कि आयोडीन बेस्ड डिसइंफेक्टेंट्स आर कंसिडर्ड एज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट्स फॉर IBD बिरना वायरस। पिरना वायरस के लिए आयोडीन बेस्ड डिसइंफेक्टेंट की सबसे मैक्सिमम एफिकेसी जो है वो YMCF में भी ये रिपोर्ट्स हैं लिखी गई हैं। आयोडोक्लीन्स के अंदर 28% आयोडोफोर्स, 2.8% अवेलेबल आयोडीन जो है वो पाई जाती है। आयोडोक्लीन्स के अंदर जो 28% आयोडोफोर्स हैं दे आर स्टेबलाइज विद एन इनर्ट केमिकल पॉलीविनाइल पायरोलिडोन, जो कि आयोडोफोर्स को स्लोली रिलीज करके जो है वो बैक्टीरियल सेल डेथ का बायस बनाते हैं। आयोडीन बेस्ड जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है वो डिफरेंट प्रोटीन्स को टारगेट करके बैक्टीरियल डेथ का बायस बनते हैं। अलोंग विद दैट आयोडीन बेस्ड डिसइंफेक्टेंट विरियोन की स्ट्रक्चर्स के अंदर जो एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं लाइक बिरना वायरस जो है उसको किल करने में उसकी कैप्सिड की सेलुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर चेंज करके जो है वो सेल डेथ का बायस बनाते हैं। आयोडोक्लीन्स को अगर हम मार्केट में कंपेयर करें तो वो जस्ट पायोडीन के साथ कर सकते हैं, जिसके अंदर जस्ट अवेलेबल आयोडीन जो है वो जस्ट 1% होती है, जबकि उसमें आयोडोफोर 9% पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट जो है वो पायोडीन होता है, जबकि आयोडोक्लीन्स के अंदर आलमोस्ट 3 times स्ट्रॉन्ग या 3 times ज़्यादा आयोडोफोर्स और अवेलेबल आयोडीन पाई जाती है, जिस वजह से आयोडोक्लीन्स का कॉन्टैक्ट टाइम 15 सेकेंड से कम हो गया। विद इन जस्ट 5 seconds के अंदर ये बैक्टीरिया और वायरसेस को किल करने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा आयोडीन बेस्ड डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं वाटर की पीएच को ड्रॉप करके बर्ड के अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन्हांस करके फीड डाइजेशन और फीड इनटेक भी इम्प्रूव करने में हेल्प जो है वो करते हैं। आयोडोक्लीन्स को हम ड्रिंकिंग वाटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्यूरिंग बिरना वायरस चैलेंजेस IBD के चैलेंजेस के अंदर हम आयोडोक्लीन्स को पानी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइव बर्ड्स के ऊपर स्प्रे करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पैड डिप्स के अंदर भी डाल सकते हैं। आयोडोक्लीन्स IBD के केसेस के अंदर भी म्यूकस प्लग को रिड्यूस करने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आयोडोक्लीन्स की ड्रिंकिंग वाटर में ड्यूरिंग गंबोरो के चैलेंजेस के दौरान जो है वो डोजेज है 1 ml पर 2 liter, जबकि जो है वो लाइव बर्ड्स के ऊपर स्प्रे करने के लिए 200 ml पर 20 लीटर वाटर टैंक के अंदर हम डाल के बर्ड लाइव बर्ड के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे फार्म्स जहां पर गंबोरो का कंटिन्यूस चैलेंज हो, बिरना वायरसेस के इश्यूज हो, वहां पे हम आयोडोक्लीन्स को एज अ टर्मिनल डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें इसका जस्ट 0.5% स्टॉक सोल्यूशन तैयार करके फार्म्स की डिसइंफेक्शन आयोडोक्लीन्स की मदद से कर सकते हैं। थैंक यू सर।